कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी कहीं पर बिजी हैं। तो आज हम लोग के यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो मम्मी उसकी तैयारी कर रही हैं। मम्मी यहाँ बैठ के रसगुल्ले बना रही हैं। अभी आटा सान रही हैं। आओ पास में ले आओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आज मेरे यहाँ गेस्ट आएंगे तो मैं रसगुल्ले बनाने वाली हूँ। वो पैकेट वाले जो होते हैं उसका बनाने वाली हूँ। तो मैं आपके लिए आटा सान रही हूँ और ये मिल्क है, मिल्क से आटा सान रही हूँ। और पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी तो प्लीज आप लोग पूरा देखना। आज हम लोग के गेस्ट आएंगे, एक नन्ना मुन्ना बाबू आएगा, छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान। आप लोग बहुत प्यारा है, आप लोग उसे जरूर मिलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने रसगुल्ले बनाने हैं और किचन में जो भी काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। और कढ़ी भी बनाऊँगी, कढ़ी और राइस। और आज यहाँ का मौसम भी अच्छा है, धूप निकली है। कई दिन से बारिश हो रही थी तो आज बारिश नहीं हो रही है। आज कपड़े भी अच्छे से सूखेंगे। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ। और वीडियो को प्लीज़ फुल ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो मेरा आटा रसगुल्ले वाला फ्रेंड सन चुका है और मैंने ऐसी छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं इसकी। और भगोने में इधर चाशनी बनने के लिए रख दी है और कुछ गोलियों को मैंने इसमें तलने के लिए रख दिया है। और वो पैक मैं आपको दिखा देती हूँ, वो पैक है ये। इस पैक के जो रसगुल्ले बने हैं, वैसे इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर रसगुल्ले बने हैं। मैं भी ट्राई कर रही हूँ बनाने का। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ले मेरे बन रहे हैं और थोड़े मैंने सेक भी लिए हैं और थोड़े अभी और सीख रहे हैं। तो आज मेरा सारा दिन बिजी होने वाला है, मेहमान आएंगे, बातचीत भी करूँगी। तो अभी तो खाना वाना सब बन जाएगा, बहुत जल्दी कढ़ी भी बनानी है अभी। तो जब आपको बात बताती हूँ, जब मैं पहले आई थी, शादी हो गई नए नए, तो यहाँ के मेम्बर्स को जब खाना बनाती थी तो ऑर्डर लगता था, ऐसा लगता था कि उन्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर आ गया, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग खाना बनाना आ गया। क्योंकि सब लोगों के घर का अलग अलग खाना पीना होता है, सबका रस्म व रिवाज अलग, सबका रहन सहन रहने का तरीका सबका अलग ही होता है। तो इसलिए मैं डरती थी पहले, फिर इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ आ गया। क्योंकि मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी। तो कोई कमी होती थी खाने में या कुछ तो बताती थी कि बहू ऐसे नहीं, ऐसे काम करो तो इससे अच्छा रहेगा। तो और मैं उसे एक्सेप्ट भी करती थी। कभी भी आपको ससुराल में आप जाएं, कोई आपको कुछ कहेगी ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, तो आप उसे एक्सेप्ट करना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक आपके काम में थोड़ी बहुत बुराई ना हो तो आप परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। और प्रैक्टिस करते करते आप एक अच्छे कुक बन जाते हैं। तो बस वैसे ही मैं भी एक अच्छी कुक बन चुकी हूँ अब, क्योंकि मैं कभी बुराई से घबराती नहीं थी। बोलते कि कोई भी कुछ भी बुराई करो, बस मुझे बताते रहो कि ये कैसे बनेगा। ऐसे करते करते अब यहाँ समय हो गया है कि अब सब कुछ अच्छे से आ गया है। और शुरू शुरू में सभी लोग घबराते हैं। तो जब भी कोई कुछ बोलता था तो मुझे बस एक ही सॉन्ग याद आता था, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। तो बस मैं यही सोचती थी, बस विश्वास मेरा कम नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं सीख ही लूँगी। तो चलिए फिर अपना और काम कर लेते हैं, जब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत। कढ़ी की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। कढ़ी के भी बहुत तरीके हैं बनाने के, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और मेरा तरीका तो
बहुत ही सिंपल रहता है करी बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है और इस पे मैंने धनिया डाल दिया है कट करके और लहसुन से इसे छौंक दिया है और अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने और राइस के साथ इसको खाऊंगी। हेलो, ये मेरा बड़ा बच्चा है। ये हम लोगों का न्यू ईयर का नया मेहमान। ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं दोनों बच्चों की मम्मी हूँ और हम लोग फीनी के बच्चे हैं। जी मैम, हम खूब सारे बच्चे हो गए हैं। ये बहुत सारे, ये सबसे क्यूट बच्चा है, ये सबसे क्यूट बच्चा है। ये इसका भाई यहाँ बैठा हुआ है, इसका भाई यहाँ बैठा है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है छोटा सा। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चल रहा था, बहुत ही अच्छे प्राइस। टेडी के साथ एक टेडी के साथ दूसरा टेडी फ्री था। और ये बोलता है ये अच्छा है, ये स्टैंड से मस्त है। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि तो कम्बल में खो गई है। सृष्टि ब्लैंकेट में खो गई है, इतनी छोटी सी है कि ब्लैंकेट में खो गई है। देखिए ये है क्यूट सी सृष्टि और ये सोई पड़ी है। अभी इनका उठने का मूड नहीं है तो ये सो रही है।